साल भर के भीतर 3 आईपीएस अफसरों की नौकरी जाने के बाद आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों में हड़कंप मच गया है। पिछले साल रिव्यू कमेटी ने आईजी राजकुमार देवांगन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी। इस साल डीआईजी एएम जूरी और केसी अग्रवाल की वर्दी छिन गई। इन सभी की नौकरी इस आधार पर गई है कि रिव्यू कमेटी ने इन्हें जनहित में उपयोगी नहीं माना। रिव्यू कमेटी पहले से रही है, लेकिन नौकरी से हटाने जैसा सख्त फैसला हाल के सालों में हो रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रिव्यू कमेटियों का महत्व बढ़ा है। अफसरों के काम के आधार पर तय किया जा रहा है कि नौकरी रहेगी या जाएगी। इस साल रिव्यू कमेटी ने करीब 100 अफसरों का सर्विस रिकॉर्ड खंगाला था। कमेटी में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और एक ACS के अलावा केंद्र से नियुक्ति प्रतिनिधि शामिल थे। बताया गया है कि राज्य में कम से कम 5 ऐसे अफसर हैं जिनकी नौकरी पर अब भी तलवार लटक रही है। छत्तीसगढ़ में कई IAS ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। हालांकि रिव्यू कमेटी सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रकरणों की समीक्षा नहीं करती, बल्कि ऐसे अफसरों की सेवा पर भी निर्णय करती है जिनका काम जनता के लिए संतोषजनक नहीं होता। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों का हर 15 और 25 साल में रिव्यू होता है। इस बार 1981 से 92 बैच के 24 डायरेक्ट IAS अफसरों का रिव्यू किया गया। 2000 से 2007 के बीच अवार्ड पाए 58 प्रमोटरी IAS को भी रिव्यू के दायरे में रखा गया था। इसके अलावा 182 से 92 बैच के 37 IPS और 18 IFS का रिव्यू भी कमेटी ने किया। सीनियर स्तर के कई IAS अफसरों पर भ्रष्टाचार के प्रकरण चल रहे हैं। एक महिला IAS हैं जो पहले रायपुर की कमिश्नर रह चुकी हैं। उन पर राजस्व मंडल का अध्यक्ष रहते हुए कई प्रकरणों में गलत निर्णय देने का आरोप लगा था। अब ये मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। पिछले साल रिव्यू कमेटी की बैठक में उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाला गया था। इस बार उनकी नौकरी खतरे में है। एक और IAS के खिलाफ यौन प्रताड़ना मामले की जाँच चल रही है। उनका प्रमोशन रोका गया था, वो भी जाँच के दायरे में है। एक IFS सीनियर होकर भी TFO बने हुए हैं, क्योंकि UPSC ने उन्हें सबसे निचले स्तर पर रखने को कहा है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन 5 अफसरों के अलावा मंत्रालय में पदस्थ सचिव स्तर के कई अफसर हैं जिन पर भ्रष्टाचार के पुराने मामले हैं। बाबूलाल अग्रवाल का मामला भी रिव्यू में जाएगा। उन पर CBI, आयकर और ED के प्रकरण दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।